Hello learner, I welcome you all in NIOS studio for today's live class. Now, let me make you aware about the topic which we are going to discuss about, that is correlation analysis. This is the 10th chapter of your first part economics book, and here we will see that how the correlation analysis is important for economics and business analysis in our day-to-day life. So, as the term suggests, correlation, what does it mean? It means that relation between two things, that is called correlation. So, in previous chapter, you might have gone through the single variable calculation in a statistics, that is mean, median, mode, standard deviation, quartile deviation, mean deviation, etc. But here a slight change has taken place in this chapter. Here we will study about the relationship between two variables. You might be asking the question, आप ये पूछ सकते हैं कि कैसे हम इसको कैसे correlate करेंगे, हमें क्या कैसे पता लगेगा कि ये two variables के ऊपर dependent है. तो mathematically what we see that, हम अपनी सुविधा के लिए दो variable x and y को consider करते हैं, ठीक है, and then we see that कि दोनों variables के बीच में क्या relationship है और किस हद तक उनके बीच में आपसी संबंध है. तो टर्म कोरिलेशन मींस इन हिंदी सह संबंध विश्लेषण. दिस इज द टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन. हैव ए लुक ऑन दिस पिक्चर. व्हाट यू फाइंड दैट द नेम ऑफ द पर्सन इज कार्ल पियर्सन एंड ही वॉज द पायनियर पर्सन टू सजेस्ट एंड make us aware about the relationship between two variables. So, we don't want to discuss about the history of the person. इनके बारे में बहुत चर्चा नहीं करना है कि इनका past life कैसा रहा, लेकिन यहाँ पर ये सारा contribution correlation analysis के बारे में इन्होंने provide किया है और इन्होंने suggest किया है कि कैसे हम दो variables के सह संबंध को in the discussion of the topic. So, these are the four objectives of the study of correlation analysis. Let us talk about first the meaning, which I have introduced with the topic correlation analysis. What it talks about, what is the meaning, what we see that in our day-to-day life, there are so many examples. Jaise घर में जैसे जैसे हम देखते हैं कि उम्र बढ़ती जाती है और हमारे शूज का साइज जो है वो चेंज होता जाता है, ठीक है, बट कई बार ऐसी होती है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी हाइट का ग्रोथ उतना नहीं होता है और शूज का साइज जो है वो स्टेबल हो जाता है. बट वी डोंट कंसिडर दिस सिचुएशन. हियर वी सी दैट कि हमारी एज बढ़ने के साइज चेंज होता है, तो ये जो चेंज है, जो वेरिएबिलिटी है हमारे हाइट को लेकर, हमारी ग्रोथ को लेकर और साइज को लेकर, उनके बीच में क्या संबंध है, अप टू व्हाट डिग्री, किस लेवल तक वो आप वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं, इसकी स्टडी हम करेंगे. सी द एग्जांपल, व्हाट द प्रोड्यूसर डज इन आवर डे टू डे लाइफ. एक उत्पादक क्या करता है, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वो अधिक से अधिक क्वांटिटी सप्लाई करता है मार्केट के अंदर, बेचना चाहता है वो, तो पैसा जो बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है वस्तु की और वो अधिक से अधिक क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रहा है. तो देन वी विल सी दैट कि हाउ दिस टू वेरिएबल्स इंक्रीज इन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है. कंज्यूमर साइड की अगर स्टडी करें हम, तो हायर द प्राइस, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड,
इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो इसकी बात इसकी हम स्टडी करेंगे यहाँ और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे डे टू डे लाइफ से प्रैक्टिकली कैसे एसोसिएटेड है, कैसे जुड़ा हुआ है और ये हमें किस तरह से कोरिलेशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने में हमारी ये मदद करेगा, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन दिस. कोरिलेशन इज अ डिस्क्राइबिंग द डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स आइदर मूव इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन. इफ द टू वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन देन दोज वेरिएबल्स आर सेड टू हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन. जैसे अभी एग्जाम्पल हमने लिया है, उत्पादक के बारे में बात की है कि वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है और वस्तु की सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है. तो जब ये दोनों एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, जब ये दोनों एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशंस के नाम से जानते हैं. दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. दैट इज द स्टडी ऑफ द कंज्यूमर साइड. यू माइट हैव गॉन थ्रू, आपने पढ़ा होगा मांग के नियम को. तो उसमें क्या रिलेशनशिप निकल के आ रहा है? आप ये भी जानते हैं कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप होता है. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर. सो इट शोज द निगेटिव रिलेशनशिप बिकॉज बोथ वेरिएबल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. इन फर्स्ट केस व्हाट वी हैव सीन दैट बोथ वेरिएबल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जब दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे और जब दो वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो इसे हम निगेटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं. दूसरा आता है कोरिलेशन एंड कॉजिशन. सी द मीनिंग ऑफ दिस टू टर्म्स बिकॉज दिस टू टर्म्स आर डिफरेंट इन नेचर. लेट अस सी टू और मोर वेरिएबल्स कंसिडर टू बी रिलेटेड इन अ स्टैटिस्टिकल कॉन्टेक्स्ट इफ देयर वैल्यू चेंजेस सो दैट एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज सो डज द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल. ठीक है जी. अब इसमें हमने दो वेरिएबल एक्स और वाई का हम एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं. उसमें क्या कहता है कि दो केसेज आती हैं. जब कभी भी एक्स वेरिएबल इंक्रीज होता है और वाई भी इंक्रीज होता है तो इस तरह के कोरिलेशन को क्या कहेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन. अभी हमने डिस्कस किया पिछली स्लाइड्स में. जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इनको हम निगेटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं. बट वॉट अबाउट द कॉज? कई बार कई ऐसी इवेंट होती है जो कॉज और इफेक्ट से जुड़े होते हैं. ठीक है. लेट अस सी द फॉर्मल एक्सप्लेनेशन. कॉजेशन रेफर्स दैट वन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट. दैट इज देयर इज अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू इवेंट्स. दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है. व्हाट डज इट मीन? कि गर्मी बढ़ने के कारण आइसक्रीम की सेल्स जो है वो बढ़ गई. इट मीन्स दैट और प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया. तो व्हाट इज द कॉज ओवर हियर? दैट इज समर हॉट सीजन. गर्मी बढ़ने के कारण सेल्स बढ़ी और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया, डिमांड बढ़ी. ठीक है. लेकिन इन दैट केस क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ गई एट द गिवन प्राइस. इट मींस दैट कि प्राइस इज स्टेबल. आर यू गेटिंग द पॉइंट? प्राइस इज स्टेबल बट डिमांड इज मोर. सो व्हाट हैपेंस? द डिमांड विल शिफ्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन टुवर्ड्स राइट वर्ड्स. कारण क्या था? बिकॉज ऑफ हॉट समर.
So here that this is called cause and effect relationship. ठीक है, correlation और causation both are different in that sense. So this is the basic thing you have to keep in your mind, but not important from examination point of view. But ऐसा ना हो कि इसकी चर्चा आए और फिर आप unaware रह जाएं, इसलिए इसकी चर्चा करना जरूरी है. लेटर ऑन हायर क्लासेज में और ज्यादा चर्चाएं होती इसकी, लेकिन आपके लिए ये लिमिटेड पोर्शन ही लिया गया है. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, हैव ए लुक ऑन स्लाइड, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं बेसिकली फर्स्ट पार्ट की. पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन, सेकेंड इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. ठीक है, ये आसान हो गया पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन को समझना आपके लिए, क्योंकि ये दो वेरिएबल के मूवमेंट को इंडिकेट करता है. जब दो वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एक्स एंड वाई, लेट अस सी. X and Y, two variables are there. 1, 2, 3, 4, 5. Here, 5, 10, 15, 20, 25. Now, these two data have been taken for our own convenience. बट इट माइट बी डिफरेंट, ये हो सकता है कि 5 के बाद यहाँ 8 हो, यहाँ 15 हो, यहाँ 22 हो, यहाँ 27 हो. वॉट वी सी दैट वंस द एक्स वेरिएबल इंक्रीजेस, वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो वट डज इट शो, इट मीन्स दैट कि बोथ वेरिएबल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन. दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को, सहसंबंध को हम क्या कहेंगे, धनात्मक संबंध के नाम से जानेंगे. ठीक है, लेकिन जब यही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे कि एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा हो और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा हो, तो इन दैट सेंस व्हाट वी सी दैट इज कॉल्ड निगेटिव कोरिलेशन. क्लियर, चलें आगे. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक्स को वाई का वाई रहने देते हैं सेम, व्हाट वी सी दैट 25, 21, 20, 18 and 12. जस्ट मेक द कॉम्पेरेटिव स्टडी बिटवीन दिस टू. ये बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस तरह की क्वेश्चंस होंगी और आपको सीधा देख के पता कर लेना है कि यहां पर नेगेटिव रिलेशनशिप होगा और यहां पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, सो दैट कि यह आपके कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा. सेकेंड एस्पेक्ट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. लीनियर का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन कर्व. ठीक है, इट मींस कि दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, कैसे एक्सप्रेस करते हैं आप उसको, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. ये क्या है, दो क्वांटिटी हैं आपके जो कांस्टेंट हैं. ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल्स है. इट मींस दैट कि एनी चेंज इन एक्स विल चेंज द वैल्यू ऑफ वाई. ओके, एंड दिस टू क्वांटिटी
remains constant in this equation. So whenever you put the value, numerical value, you will find that under condition of linear correlation, the graphical presentation between two variables x and y is following the straight line path. Clear? Second is non-linear correlation. See the example for linear correlation ke liye, aapke paas jab aap graph draw karenge, to ye is tarah se aayega. Straight line hoga. But non-linear ke andar kya hoga? The change in quantity, it remains constant, and change in quantity of V will change the nature of the curve. So what you will find that the rate of change remain constant in this case, but the rate of change is changing in the case of non-linear correlation, non-linear curve. So what happens whenever you plot the curve, then you will find that this is in this direction. Rather थोड़ा सा बड़ा shape ले लें हम लोग कि अगर हम इस curve की बात करें तो ये curve जो है वो हमें इस तरह से दिखाई देगा. It will make a curve while you plot the x and y variable on the graph paper. So you have to keep this thing in your mind, and I mean it will provide you the basis to understand the concept. Because इतना ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशन नहीं है आपका, बहुत बेसिक्स है, लेकिन फिर भी ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, सो दैट कि जो भी सिचुएशन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, आप उस चीज को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे. यानी कि आपका मेन फोकस जो है वो स्ट्रेट लाइन तक ही है, नॉन लिनियर कोऑर्डिनेशन तक नहीं है. पॉजिटिव एंड निगेटिव, दैट इज द डिग्रीज through which these two variables are associated and related to each other, and the other part is the linear correlation, जिसमें कि आपको स्टेट कर्व के थ्रू दिखाया जाएगा. और वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेथड्स हैं उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे स्कैटर प्लॉट के थ्रू आप कोरिलेशन के रिलेशनशिप को ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, let us move ahead. The next topic is see the description is given over here, what I have explained to you, and you will find that with example it has been given, advertising and sales. किसी particular company ने यह decision लिया कि भाई हम advertising के amount को increase करें, और resultantly क्या देखा company ने कि sales की volume जो है वो increase हो गई. ठीक है, so this what it shows that advertisement x variable, sales y variable. Increase in advertisement leads to increase the sales of commodity of a particular company. किसी कंपनी की सेल्स जो है वो इंक्रीज कर जा रही बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट. सी द अदर एग्जांपल, नेगेटिव कोरिलेशन, व्हाट हैपेंस इन दिस? विच वी डिस्कस अबाउट कि दोनों वेरिएबल्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. अब आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो अपनी डे टू डे लाइफ, छोड़ो किताबी बातों को. जैसे टेलीविजन शुरू हुआ, इंडिया में लोगों ने परचेज करना शुरू किया, देखना शुरू किया. पहले अलग अलग शेप में आया करता था, फिर एलईडी आया, एलसीडी आया, और क्या क्या और सादा प्लाज्मा वगैरह को सब नए नए निकलते रहे. व्हाट यू हैव सीन दैट, हाउ इट हैज शोन इट्स इम्पैक्ट ऑन सिनेमा हॉल. लोगों ने सिनेमा जाना, सिनेमा हॉल में जाना, हॉल में पिक्चर देखना कम कर दिया. तो इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ टेलीविजन, व्हाट वी हैव सीन दैट टीवी रजिस्ट्रेशन, सिनेमा अटेंडेंस, जो सिनेमा देखने जाने वाले बंदे थे वो कम जाने लगे.
क्योंकि उनको सारी पिक्चर्स वगैरह जो भी इनके इंटरटेनमेंट का उनके जरूरत की चीजें थी वो सारी प्रोग्राम्स उस टेलीविजन पे आ रही हैं. व्हाई दे शुड गो फॉर पिक्चर सिनेमा हॉल, अर्लियर इट वॉज नॉट अवेलेबल. जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले कि हमारे बचपन में टीवी नहीं था तो भी हम लोग हर समय ये कोशिश रहती थी कि कैसे घर वालों के साथ किसी के साथ पिक्चर जाने का मौका मिल जाए. इसके लिए हम लोग बड़े सारे घर में वातावरण क्रिएट करते थे और पेरेंट्स जो कहते थे वो मानते थे. बट नाउ दिस बैरियर हैज बीन गॉन आउट एंड व्हाट वी हैव सीन दैट जो सिनेमा देखने जाने वाले बंदे थे अब वो कम हो गए. इट शोज निगेटिव रिलेशनशिप. कंज्यूमर डिमांड थ्योरी, डिमांड थ्योरी आपने पढ़ा है, उसका एग्जाम्पल ले लें आप. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं, सहसंबंध को, दो वेरिएबल्स के संबंध को शो कर सकते हैं. और उसके लिए हम तरीका अपनाएंगे कि किस किस तरीके से हम सहसंबंध के को एक्सप्लेन करेंगे. लीनियर इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई. ऑल डिस्क्रिप्शन हैव बीन गिवन ओवर हियर. इसमें स्टे जब आप एक्स वाई के वेरिएबल्स को वैल्यू को पुट करेंगे तो यू विल कि ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है. नॉन लीनियर के अंदर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर. व्हाट हैपेंस, इट लुक्स लाइक अ कर्व इन अ ग्राफ एंड हैज ए वेरिएबल स्लोप वैल्यू. जो मैंने वो कांस्टेंट किया था उसमें लीनियर वाले में, अब वो v की वैल्यू चेंज करेगी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस कि जब अगर वो वैल्यू चेंज करेगा, सपोज कि आपने पहले लीनियर इक्वेशन में बी की वैल्यू 0.6 ले लिया है, लेकिन नॉन लीनियर के अंदर बी की वैल्यू जो है वो चेंज कर रही है वेरिएबल के मूवमेंट के साथ, देन व्हाट वी सी दैट इट विल मेक अ कर्व. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, व्हाट इट टॉक्स अबाउट. मैंने अभी कहा कि दो वेरिएबल के बीच में सहसंबंध की स्टडी को, अध्ययन को हम कोरिलेशन कहते हैं. कैसे समझ पाएंगे हम कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, निगेटिव कोरिलेशन है, डिग्रीज क्या है, हाउ मच दे आर एसोसिएटेड टू ईच अदर, इन व्हाट वे दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो इन दैट सिचुएशन वी विल सी दैट this table and we find that no correlation, absence of correlation, that is zero zero. Whenever we calculate the value of two variables and we want to show the relationship between these two, we find the value is zero. So we can conclude that कि किसी भी तरह का सहसंबंध दोनों variables के बीच में नहीं पाया जाता है. When परफेक्ट कोरिलेशन, पूर्ण सहसंबंध, पॉजिटिव साइड में प्लस वन होगा, नेगेटिव साइड में माइनस वन होगा. आपके दिमाग में यह बात चल रही होगी कि ये प्लस वन और माइनस वन और उससे नीचे ही कोरिलेशन का वैल्यू क्यों होता है. जिसमें हमने परफेक्ट कोरिलेशन लिखा है उसकी वैल्यू वन है, यूनिट है. तो आपको ये बात मैं यहीं डिस्कस कर दूं, आगे तो बताऊंगा ही कि यहां पर रिलेटिव रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में. ठीक है, और जब हम इसके गुणांक की रिलेटिव वैल्यू की बात करते हैं तो वो वन से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, जो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, मीन डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब सारी चीजें आपने पढ़ी होगी पहले. तो यहां भी ये बात ध्यान रखेंगे कि इसकी वैल्यू वन से ज्यादा नहीं होगी. अगर वन से ज्यादा आ रहा है तो आपके कैलकुलेशन में कमी है. ठीक है, तो ये कंपेरेटिव स्टडी है, ये एक रिलेटिव स्टडी है, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन निगेटिव डायरेक्शन. नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, दैट इज बिटवीन 0.75 to 1, either in positive side or in negative side. So
if the value of calculation lies between these two points, this is called high degree of correlation. Clear? Next to this, the moderate value, that is in between 0.25 to 0.75. If the value lies in between these two extremes, then this is called moderated value of correlation. Then the last is, the last one is low degree of correlation. When the value lies between 0 to 0.25, either in positive side or in negative side, in that case, this is known as low degree of correlation. ठीक है? And it all depends upon the calculation. जब आप इसकी गणना करेंगे, जब आप इसको mathematically इसकी values को put करेंगे, तब ये result आपके पास आएगा. तो ये बताना इसलिए जरूरी है advance में कि पहले आप इस चीज को समझ ले कि जैसे ही calculation करें और value जाए तो आपके दिमाग में ये घंटी बजने लगे कि भाई अगर one value है तो perfect correlation है, 0.75 to 1 के बीच में है तो high degree of correlation है, 0.25 और 0.75 के बीच में है तो moderated value है और below 0.25 है तो वो low degree of correlation है. But अगर 0 आता है calculation का value तो उस केस में no correlation at all. So what you have learned that? 5 degrees. ठीक है? चले आगे. Let us move further. Properties of coefficient of correlation, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन इसको एक formal तरीके से आपके सामने list out करके रखा है कि कैसे इसके properties को आप समझेंगे, क्या इसके गुण क्या हैं, किस characteristics को ये लेके आगे बढ़ता है. See the first. The correlation coefficient R lies between minus 1 to plus 1. That is clear to you, which we have discussed in the degree of correlation. The next is, the correlation coefficient R is the pure number and is independent of the units of measurement of the variables. Koi unit nahi hoga, which we have discussed already. क्योंकि ये कॉम्परेटिव स्टडी है, ये इंडिपेंडेंट है किसी भी यूनिट के मेजरमेंट से, बिकॉज हियर वी मेक द कॉम्परेटिव स्टडी बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड वी फाइंड ट्राई टू फाइंड इट आउट हाउ मच दे आर कोरिलेटेड. इफ यू पुट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मेजरमेंट यूनिट्स, देन यू कैन नॉट कंक्लूड द रिलेशनशिप. सह संबंध को आप अच्छी तरह से निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा सकते. नेक्स्ट इज, the correlation coefficient R is independent of change of origin, that is, the value of R is not affected even if each of the individual value of two variables is increased or decreased. Independent of origin, agar aap us value ko increase or decrease karte hain, to uske upar uske relationship pe koi effect nahi padta hai. All the best.